बहुत दिनों से मुझे स्टफ़्ड इडली खाने का मन था एंड फाइनली आज मैंने बना ली। एकदम परफेक्ट एंड डिलीशियस बनी थी तो सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर लूँ। इडली का बैटर तो मेरे पास था नहीं तो मैंने इंस्टेंट इडली का बैटर बनाया था। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ साथ स्टफ़ करने के लिए आलू का मसाला एंड कारा चटनी बहुत ही डिलीशियस बनती है एंड इस इडली के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है। सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू माई फ्लेवरफुल जर्नी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया है स्टफिंग बनाने के लिए। अब इंस्टेंट इडली का बैटर बनाने के लिए एक बोल में ऐड करना है 1 कप रवा, उसके साथ साथ 1 कप दही, मतलब 1:1 प्रपोर्शन होना चाहिए दही एंड रवा का। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून पानी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड मिक्स करने के बाद इसे रेस्ट होने के लिए रखना है, मतलब जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। अब करते हैं आलू की स्टफिंग की तैयारी, जिसके लिए मैंने 1 मीडियम साइज़ अनियन को 3 स्लाइसेस में लंबा लंबा काट लिया है। इसे आप फाइनली चॉप भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमें कुछ ग्रीन चिलीज़ को फाइनली चॉप कर लेना है। आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, मैंने इनका पानी स्ट्रेन कर लिया है एंड इसे साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है एंड इसमें थोड़ी उड़द दाल ऐड करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है एंड ऐड करना है राई, करी पत्ता। अच्छे से क्रैकल होने के बाद इसमें स्लाइस अनियंस एंड ग्रीन चिली डाल देना है। हमें अनियंस को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस ट्रांसलूसेंट होने तक सौते कर लेना है। अब जाएगा नमक एंड हल्दी पाउडर। इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि मसाला थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप पानी स्प्रिंकल कर सकते हो। अब इस मसाले में जाएंगे बॉइल्ड पोटैटोस, अच्छे से मैश करते हुए ऐड करना है। मिक्स करना है इसे अच्छे से एंड गार्निश करना है थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर के साथ। अब गैस ऑफ करके इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देना है। अब बनाते हैं कारा चटनी, जिसके लिए थोड़े से ऑयल में चना दाल एंड उड़द दाल को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। बाद में थोड़ा जीरा भी डाल देना है इसमें। नेक्स्ट इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक एंड रफली चॉप्ड अनियन, एक मीडियम साइज़ का अनियन है ये। इस सबको 1 मिनट के लिए सौते करके ऐड करना है टमाटर एंड 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करना है सो दैट जो प्याज एंड टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। ये मिक्सचर ठंडा होने के बाद इसे ट्रांसफ़र करना है एक मिक्सर जार में एंड स्मूथली ग्राइंड कर लेना है। इसमें एक बेसिक सा तड़का देंगे जिसमें ऑयल के साथ राई एंड करी पत्ता होगा। अच्छे से मिक्स करके हमारी चटनी इज़ रेडी। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत डिलीशियस बनती है। अब लेना है आलू का मसाला, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के एक टिक्की का शेप देना है। मैंने इस मसाले से टोटल 12 टिक्कियाँ बनाई थी। नेक्स्ट इन इडली प्लेट्स को थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लेना है एंड मेक श्योर कि ये सारी तैयारी आप बैटर में इनो डालने से पहले ही करें, नहीं तो बाद में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बैटर में डालना है 1 टेबलस्पून इनो या फिर 1 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हो। ऊपर से 1-2 टेबलस्पून पानी डालना है एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले इन इडली प्लेट्स में 1-1 टेबलस्पून बैटर ऐड कर देना है एंड ऊपर से ये आलू की टिक्की रखनी है। हल्के हाथ से रखना है, ज़्यादा दबाना नहीं है। अब इनके ऊपर बैटर डाल के अच्छे से इन्हें कवर कर देना है। बैटर डाल देने के बाद इसे थोड़ा सा टैप कर लेना है, मतलब अगर कोई वॉइड रह गया है तो वो भर जाएगा। अब इमीडिएटली इन सारी इडली प्लेट्स को ध्यान से इस इडली मेकर में रख देना है एंड मिनिमम 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें मीडियम फ्लेम पर स्टीम कर लेना है। स्टीम करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब रेस्ट देना है एंड बाद में हल्के हाथ से चम्मच से या फिर नाइफ की हेल्प से इन्हें स्क्रेप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने आसानी से ये इडली मोल्ड से बाहर आई है। कट करके भी देख लेते हैं कितने परफेक्ट लग रहे हैं ये। बैटर अच्छे से पक चुका है एंड काफ़ी फ्लफ़ी बनी है ये सारी इडलीज। अब इनके ऊपर मैं थोड़ा सा गन पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें चटनी के साथ एंड इन्जॉय करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।